हेलो क्लास, दिस इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज कहां होता है ये हम लोग जानेंगे। ए मींस क्या होता है? ए मींस होता है एक, और एन, एन मींस क्या होता है? एन मीन्स भी एक होता है ना? दोनों का मीनिंग सेम होता है। ए मीन्स एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है। लेकिन हम लोग ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे, है ना, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश में पांच वॉवेल होते हैं। ठीक है, वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या है? वॉवेल लेटर है। ए, ई, आई, ओ, यू। किसी भी वर्ड्स में जब वॉवेल साउंड आता है, ए, ई, आई, ओ, यू, तब हम उसमें एक के बदले एन का यूज करते हैं। ठीक है, और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, बी, सी, डी, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में हम A का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वॉवेल साउंड से जो वर्ड होता है, जैसे एप्पल। ठीक है, एप्पल, एप्पल में साउंड क्या आया? ए। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? एन एप्पल, एक सेब, एन एप्पल। ठीक है, उस तरह से एलिफेंट, एलिफेंट में ई साउंड है, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे? एन, एन एलिफेंट, एक हाथी। ठीक है, उस तरह से क्या है? बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स, इसमें वॉवेल साउंड नहीं है, यहां बी है, इसमें कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है, इसमें हम क्या लिखेंगे? ए बॉक्स। ठीक है ना, एक बक्सा, ए बॉक्स, एक, एक बक्सा। ठीक है, उस तरह से आउल, आउल मींस क्या आता है? उल्लू। आउल में वॉवेल है ओ, इसमें क्या यूज करेंगे? एन, एन आउल, एक उल्लू। ठीक है, समझ में आ रहा है? एन एप्पल, एन एलिफेंट, ए बॉक्स, एन आउल। किसमें हम एन लगा रहे हैं और किसमें ए लगा रहे हैं? तो जिस वर्ड का पहला साउंड वॉवेल आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर यहां ए रहेगा, ई रहेगा, आई रहेगा, ओ रहेगा और यू रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है? एन लिखेंगे। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर अगर कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है ना, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज डैश ऑरेंज, That is dash car, that is dash octopus, this is dash hen। ठीक है, अब हमको यहां पर ए और एन का यूज करना है। ठीक है, कहां पर ए यूज करेंगे, कहां पर एन यूज करेंगे? दिस इज ए ऑरेंज होगा या फिर एन ऑरेंज होगा? तो यहां पर क्या यूज होगा? एन ऑरेंज। एन क्यों हुआ यूज? क्योंकि इसका जो लेटर है वो क्या है? वॉवेल, वॉवेल साउंड है, इसीलिए एन ऑरेंज। नेक्स्ट, दैट इज डैश कार, यहां कार, यहां पर पहला साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक
ठीक है, ए ई आई ओ यू नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए कार, दैट इज ए कार, ठीक है। उसी तरह से दैट इज डैश ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में यहां तक क्या है साउंड, ओ है, तो ओ भवेल है, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन ऑक्टोपस। नेक्स्ट, दिस इज डैश हैन, हैन में पहला लेटर क्या है, एच है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें क्या लिखेंगे, ए हैन। दिस इज एन ऑरेंज, दैट इज ए कार, दैट इज एन ऑक्टोपस, दिस इज अ हैन, ठीक है। कैसे यूज किया हम लोग ए और एन को, तो जिस वर्ड में उसका पहला लेटर अगर वोवेल हो, ए ई आई ओ यू रहेगा, तो उसमें हम एन का यूज करेंगे, और अगर वोवेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ए और एन को अगर फिल करना है, ठीक है, डैश बुक डैश एंट डैश कॉपी डैश एगल डैश ऑनियन डैश फिश डैश बस डैश अम्ब्रेला डैश यूटेंसिल डैश मैंगो, ठीक है। अब यहां हम कहां पर ए यूज करेंगे और कहां पर एन यूज करेंगे, ठीक है। तो एन हम लोग यूज कहां करते हैं, जहां पर वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू आता, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी है, बी क्या वोवेल है, बी वोवेल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए बुक, ठीक है। इस वर्ड में एंट, एंट में पहला लेटर क्या है, वोवेल है, वोवेल हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, एन एंट, ठीक है। फिर यहां क्या है, सी, सी है कॉन्सोनेंट, तो ए यूज करेंगे, ई क्या है, वोवेल है, तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ऑनियन, ओ, ओ क्या है, वोवेल है, यहां भी एन का यूज करेंगे, फिश, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में हम ए का यूज करेंगे, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहां भी ए का यूज करेंगे, अम्ब्रेला में यू क्या है, वोवेल है, क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, यूटेंसिल, यूटेंसिल में वोवेल है यू, क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, और मैंगो, मैंगो में एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें ए का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।